की न्यूज देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। पूरे देश में आज आज़ादी का जश्न बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। उसी तरह से मुंब्रा में भी 74वें स्वतंत्रता दिवस की धूम देखने को मिली। मुंब्रा पुलिस स्टेशन, रशीद कंपाउंड, शिवसेना शाखा, किस्मत कॉलोनी में तिरंगा फहराकर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। कोरोना की वजह से लोगों ने थोड़ा एहतियात जरूर किया है, मगर आज़ादी के जश्न में एमएम वली कोरोना सेंटर में भी मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस वो दिन है जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग को याद दिलाता है। भारत को मिली बहुत महत्वपूर्ण आज़ादी है। महात्मा गांधी, भगत सिंह, नेता सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सुखदेव, ऐसे और भी वीरों ने देश के लिए अपने प्राणों की कुर्बानी दी है और आज हम इस आज़ाद भारत में चैन की सांस ले पा रहे हैं। मुंब्रा पुलिस स्टेशन में भी सीनियर PI मधुकर कड ने तिरंगा फहराया और तमाम पुलिस कर्मियों ने आज़ादी की देशवासियों को बधाई दी। शिवसेना शाखा पर भी तिरंगा फहराया गया और अब ये तस्वीरें आप रशीद कंपाउंड की देख रहे हैं, जहां आज़ादी के इस त्यौहार को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वहीं कोरोना सेंटर MM वली में भी स्टाफ और डॉक्टरों ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लोगों को बधाइयां दी हैं। किस्मत कॉलोनी में भी एक NGO ने तिरंगा फहराया और लोगों को आज़ादी की बधाइयाँ दी। सबसे पहले तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरीवन अराउंड द वर्ल्ड एंड आई जस्ट वांटेड टू लेट यू ऑल नो दैट ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक इट हैज़ बीन रियली डिफिकल्ट बट वी हैव मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग एंड स्टिल मैनेज टू गेट थ्रू इट प्रॉपरली एंड आई वुड रियली लाइक टू रिक्वेस्ट द यूथ ऑफ द कंट्री टू यू नो कम आउट एंड बी सपोर्टिव इन ऑल दीज occasions because not all the youth of the country is up for you know flag hoisting and all of this in the country which is really important so I would really request the youth to come forward because that is what it is going to be about India the youth is going to be the future Sudhir bhai aaj kya kahenge aaj 15 august hai is khushi ke mauke par aap kya kahenge देशवासी को यही कहना चाहता हूँ कि जैसे देश आज़ाद हुआ था हम भी कोरोना से आज़ाद हो जाएं और ये महामारी से इस देश को आज़ादी मिल जाए। सभी लोगों ने इस चीज़ की खबरदारी लेनी चाहिए कि हम लोग एक उस मुकाम पर आए हैं कि हम लोग एक दूसरे को मदद करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को ख्याल रखें कि हमको बीमारी की लत नहीं लगना चाहिए। हम मेरे बड़े बुजुर्ग को संभाल के रखिए और यही स्वतंत्र दिन की मैं आप सबको शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं तमाम लोगों को 15 अगस्त की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। आज हमने क्वेट केयर सेंटर के अंदर जो है 15 अगस्त जो है हमने यहां मनाया। आज हमारी आज़ादी का दिन है, हम बहुत ज़्यादा खुश हैं और इंशाल्लाह हमारा पूरा स्टाफ, पूरी टीम जो आज ये काम कर रही है हमारी जो क्वेट की, आज 15 अगस्त के दिन जो है हम लोगों ने इस चीज़ को सोचा है कि इंशाल्लाह जो हमारी टीम पूरी मेहनत और मशक्क़त के साथ काम कर रही है और ये पूरा हमने आज ये यहाँ पर एक शपथ भी लिया है कि इंशाल्लाह कोरोना से जो है मुंब्रा कौसा जिस तरीके से हमारे शहर के अंदर जो है आज ये बीमारी बहुत तेज़ी के साथ में खत्म हो रही है, जिस तरीके से लोग काम कर रहे हैं, जिस तरीके से लोगों की सोच बदली है, मैं मुंब्रा कौसा के उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप उसी जिम्मेदारी के साथ जो है रहिए। इंशाल्लाह जो है ये CC सेंटर, कोविड केयर सेंटर आपकी खिदमत के लिए हमेशा तैयार रहेगा। मैं 15 अगस्त की मुबारकबाद तमाम लोगों को एक बार फिर से देता हूँ। खुदा